नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। हरिद्वार जेल में बंद एक कुख्यात ने अपने पुराने हिस्ट्री शीटर साथी को मौत के घाट उतारने के लिए दो सुपारी किलर को लाखों रुपए दिए। जब यह सुपारी किलर हत्याकांड को अंजाम देने के लिए रुड़की से देहरादून की ओर निकल रहे थे, तभी SP मणिकांत मिश्रा ने उनकी संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर सुपारी किलर को धर दबोच उनके कब्जे से विदेशी पिस्टल व तमंचा बरामद किया। एक बार फिर जिस तरह से मणिकांत मिश्रा ने एक हत्याकांड को होने से बचाया, उससे बदमाशों में भय का माहौल बना हुआ है। हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात बदमाश जीती रावत द्वारा मेरठ के शूटर को अपने साथी रहे हिस्ट्री शीटर प्रॉपर्टी डीलर पंकज की हत्या कराने की सुपारी दी थी। प्रॉपर्टी डीलर को मारने के लिए जीती रावत नाम के एक अपराधी ने एक शूटर को हायर किया था। पुलिस को ऐसी मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा स्वयं सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज पंजीकृत हुआ। कुछ मुखबिरी और कुछ सर्विलांस के माध्यम से उन लड़कों की पहचान हुई। आज ये सुबह ये लड़के, जिसमें एक का नाम नितिन कुमार मेरठ का रहने वाला और दूसरा मुकीम जो लंढोरा का रहने वाला मंगलौर थाना क्षेत्र का, ये आज उस प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के लिए देहरादून जाने वाले थे। मुखबिर से सूचना मिली और घेर घार के इन दोनों को पकड़ लिया गया। इन दोनों की पूछताछ से ये पता चला कि ये आज ही पंकज जो प्रॉपर्टी डीलर है देहरादून का, उसकी हत्या करने वाले थे। उसके साथ उन्होंने हरिद्वार के भी एक व्यापारी की हत्या करने के लिए बताया कि इस कार्य को करने के उपरांत हम एक हरिद्वार के आदमी को और एक मंगलौर में कल्लू नाम के व्यक्ति हैं, उनकी हत्या करेंगे। इनके पैसे के लिए अभी निश्चित नहीं हो पाया है, लेकिन इनसे पूछताछ से ये पता चला कि लगभग 15 लाख रुपए जित्ती इनको कह रहा था कि हम देंगे तुम अगर ये मेरा काम कर देते हो तो। इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें नितिन पर 307 के मुकदमे हैं और चोरी का मुकदमा है, आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है उत्तर प्रदेश में, और जो मुकीम है उस पर एक लूट का मुकदमा भादराबाद से है। ये इनका आपराधिक इतिहास और पता किया जा रहा है, इनसे पूछताछ की जा रही है। जितनी अभी हरिद्वार जेल में बंद है, ये जेल से ही इसके मिलने के माध्यम से या फोन के माध्यम से उसने इसको हायर किया था और ये हत्या करने के लिए इन्हें बुलाया था। उसकी भी जांच की जा रही है कि जेल में किस तरह से ये फोन इस्तेमाल हो रहे हैं। सर्विलांस के माध्यम से इसकी जानकारी ली जाए।